हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपुलर किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए साबूदाना बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फास्ट में बना करके खा सकते हैं और साथ के साथ मैं यहाँ पर चार फ्लेवर में एक ऐसी चटनी भी बनाना बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पर साबूदाना बड़ा बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर व्रत के लिए साबूदाना बड़ा ही बना रही हूँ। तो हम एक कटोरी साबूदाना लेंगे। साबूदाने को हमें 2 से 3 बार पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को वॉश कर लिया है। एक कटोरी पानी डाल करके हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, यदि नहीं है तो बनाने से 2 घंटे पहले सोक करके रख लीजिए। अब हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मूँगफली ली है। तो मूँगफली को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। जब मूँगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसको ठंडा करके छिलके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट तक हमने इसको रोस्ट किया था, तो मूँगफली अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। हमने इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम मूँगफली को बड़े में भी यूज़ करेंगे, तो हम इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हम अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मूँगफली ली है छील करके, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देसी कोकोनट लिया है 2 से 3 चम्मच। पुदीने के पत्ते लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच। सेंधा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। दही हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके बाद हम धनिया डालेंगे। आप एक ही चटनी में 4-4 फ्लेवर का टेस्ट ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपकी चटनी थोड़ी थिक बने तो उसमें पानी को ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, तो इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब हम साबूदाना देख लेते हैं। ये देखिए, ओवरनाइट सोक करने के बाद में हमारा साबूदाना अच्छे से फूल गया है। मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से मैश हो रहा है। मैंने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए आलू लिए हैं बॉईल करके 6 से 7। तो हमें इसको हाथों से मैश कर लेना है। आप इसे ग्रेटर की सहायता से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मैश करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने सभी आलू को मैश कर लिया है। तो अब हम इसके बाद साबूदाना डालेंगे जो हमने भिगो करके रखा था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसको स्किप किया है। इसलिए इसके बाद हम धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। दरदरी करके मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो हमारा डो है वो बनकर रेडी है। अब हम इसके छोटे बड़े बनाना शुरू करते हैं नींबू की शेप में। तो मैं साथ के साथ इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, जिससे कि हमारे जो बड़े हैं वो कच्चे ना बने। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी बना लिए हैं। अब इनकी बारी आती है फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें बड़े डालेंगे। बड़े डालने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है, तभी हमारे जो बड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी का बैच भी बना लेंगे। अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है।
हमारे बड़ों में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।